नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज जिला स्तरीय रोजगार दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बेरोजगारों को रोजगार के लिए ऋण स्वरूप चेक वितरित किए गए। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज रोजगार दिवस का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में होने वाला प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस में विशिष्ट रूप से जनता के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्वरोजगार योजनाएं संचालित करने वाले विभागीय अधिकारी एवं बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसे कई योजनाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में रीवा जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक बार फिर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्राइवेट बैंकों पर धावा बोलते हुए कहा कि वह इस योजना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्राइवेट बैंकों के बिजली पानी सब बंद कर दिए जाएं। बताया जा रहा है कि आज करोड़ों रुपए से ऐसे बेरोजगार युवकों को वितरित किए जाएंगे जिन्हें स्वरोजगार की आवश्यकता है। बताया गया है कि स्वरोजगार दिवस के अवसर पर 1 अप्रैल से 27 अगस्त तक 4,443 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और इसके लिए 1,78,000 का लोन दिया गया है। बता दें कि उद्यम क्रांति योजना में रीवा जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर है। महिला उद्यमी यहाँ उपस्थित है, क्या 10 वर्ष पहले आप कल्पना कर सकते थे कि कोई महिला उद्यमी यहाँ आकर के डायरेक्ट में बोलेगी कि मैंने इतना 5 लाख लिया और इतने लोगों को रोजगार दिया? संभव नहीं था। लेकिन आज इतनी महिला उद्यमियां इकट्ठा है, उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से काम हो रहा है, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है। रीवा जिले में तो मऊगंज हो, चाहे दूर हो, चाहे कटरा हो या चाहे रीवा हो, हर जगह औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं और तमाम छोटी बड़ी इकाइयां वहां पर अपना काम शुरू कर रही है। रीवा जिले में इस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लगातार दूसरा साल प्रथम स्थान रीवा जिला प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब है कि इस ओर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं और उसका फल है कि आज 25-30-40 हजार लोगों को उंगली में बता सकते हैं कितने लोगों को एक साल के अंदर रोजगार दिया गया, स्वरोजगार के लिए लोगों को अवसर मिला और वो स्वरोजगार में लगे। इसमें बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से जिन बैंकों ने काम किया वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन पिछली समीक्षा बैठक में, दिशा की बैठक में भी ये बात आई थी कि प्राइवेट बैंक केवल और केवल खून चूसने का काम कर रहे हैं इस जिले में। और मैंने तो उस दिन नाटक किया था, कलेक्टर साहब से सीट दिया, उसको चले गए तालाबंदी कर दो, उनकी बिजली काट दो, इनका सब बंद करो, ये केवल तो केवल लूटने का काम कर रहे हैं। जितने यहाँ पर आए बैंक है और इनकी सूची यहाँ पर रखी हुई है। स्वरोजगार दिवस का आयोजन किया गया है, कितने लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रोजगार स्वरोजगार मुहैया कराया गया? आज स्वरोजगार दिवस पे हम 1 अप्रैल से 27 अगस्त तक 4,443 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और उनको 1,78,000 रुपये कुल उनको लोन दिया गया है। रीवा जिला अपना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में प्रदेश में 1 नंबर का है। इसके विगत वर्ष भी, इसके पूर्व भी हमारा रीवा जिला उद्यम क्रांति योजना में प्रथम स्थान पे था। ये उद्यम क्रांति योजना युवाओं को रोजगार देने का काम करती है, जिसमें 50 लाख रुपए तक का ऋण और ब्याज में अनुदान दिया जाता है। आज करीब जो मंच से वितरण किया गया है, करीब 60 लोगों को ऋण वितरण किया गया है और ये तो टोकन बेसिस पे था, एक सैंपल के आधार पे दिया गया है। हमारे रीवा जिले में बैंकर्स का रोल बहुत अच्छा चल रहा है, इस समय सभी बैंक सहयोग कर रहे हैं प्राइवेट बैंकों को छोड़ के। आपने
अभी तो जो जैसे हम उद्यम क्रांति योजना की बात करें तो अभी तो 2 ही साल हुआ है, तो कोई किसी बैंक का हमारे पास ये नहीं आया है कि ये आदमी ऋण नहीं दे रहा है, सभी लोग लगभग दे रहे हैं। इसलिए कि जब भी ऋण वापस नहीं होता है तो बैंकर्स कहीं ना कहीं से हमारे पास कंप्लेंट करते हैं कि फलाने का नहीं हो रहा है, या आरसीसी फाइल करते हैं। तो इस तरह से अभी हमें जानकारी कोई नहीं मिली।